ये आपको ट्रिकर करा भाई ये सही है कि मैं एज अ टेक्निकल रिक्रूटर चार लाख साढ़े चार लाख या नेक्स्ट टू ईयर में छह लाख हो जाऊंगा और ये लोग चार लाख इनका पैकेज है और ये सोलह लाख सत्रह लाख बीस लाख तक जा है पहुंचे हैं और वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे राइट तो आप लोगों को बजट मिलता है जैसे मान लीजिए एक फ्रंट एंड डेवलपर हायर करना है ठीक है तो मैनेजमेंट आपको बजट देता है कि इतना बजट है वो चीज थोड़ा हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है जस्ट फॉर आर ऑडियंस मोटिवेशन आपको आपका जब आप टेक्निकल इट वॉज टी मिली, HTML, CSS, में, मिली hmm. तो वहाँ कितना चैनल का एक बहुत बढ़िया मुझे लगा था जो था पे जो आपने जावाज का समझाया था सो so, लाइक like, हर कोई क्लोजर समझा रहा है बट आपने जो वे में समझाया था सो so मेरे माइंड से निकला नहीं आज तक जो तेरा ग्रोथ होने वाला है उस पर फोकस कर एकदम से लोगो को हायर करना और फिर चले जाने डेवलपमेंट रोल पे फर्स्ट जो जॉब थी कितना डिफिकल्ट था आपके लिए चीजों को समझना और डिलीवर करना स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ टेक्निकल रिक्रूटर ये फ्रंट एंड डेवलपर को हायर करते थे ये बैक एंड डेवलपर को हायर करते थे ये डेवलप वाले बंदों को हायर करते थे और वहां से इनके माइंड में क्या आया और ये बन गए फ्रंट एंड डेवलपर अब जो हमें हायर कर रहे हैं एच आर है, टेक्निकल रिक्रूटर है क्या वो भी फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं डेवलपमेंट फील्ड में आ सकते हैं आई थिंक जे उसका एक राइट एग्जाम्पल है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनकी तैयारी कैसे ये नॉन टेक से टेक में आए कैसे एक फ्रंट एंड डेवलपर बन गए सो आज आप बहुत मोटिवेट होंगे इस पॉडकास्ट को पूरा देखना बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है एंड क्या रिसोर्सेज उन्होंने फॉलो करे वो सब हमने डिस्कस किया है ठीक है तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना लाइक एम एस सेवन थाउजेंड कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अलॉन्ग बेल आइकन ऑल्सो अगर आप वेब डेवलपमेंट में हैं फ्रंट एंड में आना चाहते हैं या फुल स्टैक में आना चाहते हैं तो मैंने अभी जस्ट मास्टर कोडिंग स्टार्ट किया है हमारी फ्री वेब कम्युनिटी है आप स्क्रीन पर देख रहे हो आ जाओ वहाँ पे ज्वाइन करो मैं बहुत कॉन्टेंट डाल रहा हूँ आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है चलिए बात करते हैं जे से जानते हैं इनकी पूरी जर्नी एंड बस शर्त ठीक है वीडियो पूरा देखना ठीक है चलो बात करते हैं जय स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए यूट्यूब पे एंड आपका आपके साथ ये पॉडकास्ट इसलिए खास होगा क्योंकि आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी एक्सेप्शनल है रीज़न इज़ कि आप टेक्निकल रिक्रूटर थे और वहाँ से आप फ्रंट एंड डेवलपर बने तो हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीखने वाली है एंड ये कैसे हो सकता है मतलब आप हायर कर रहे हो और आप ही उस रोल में आ गए सो <laughs> so, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ओवर टू यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन आपका अकेडमिक बैकग्राउंड आप कहां से बिलोंग करते हैं प्लीज ओवर टू यू या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी सो बेसिकली आई हैव कंप्लीटेड माई कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम न्यू टेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड इन वडोदरा इट सेल्फ विच इज इन गुजरात So after that, I started my career as a technical recruiter working for around 10 months with Collabra Technologies, which is again MNC. So working for 10 months over there, I switched my career into the front end development. And from close to 1.7 years, I am working as a front end developer. And recently I switched the job also. So yeah, this is about me. Achso, switch bhi ओके <laughs> यार <Yes. laughs> okay. yeah, एक चीज बताओ जैसे टेक्निकल रिक्रूटर आपने बोला अपने इंट्रोडक्शन में तो मतलब मैं एच आर बोल सकता हूँ आपको या ये कोई डिफरेंस होता है एच आर में और टेक्निकल रिक्रूटर में बेसिकली बोथ आर डिफरेंट रिक्रूटर इज अ डिफरेंट पार्ट एंड एच आर इज अ डिफरेंट पार्ट लेट्स टेक आप किसी भी जगह पर इंटरव्यू दे रहे हो राइट सो फर्स्ट कॉल द पर्सन इज गिविंग योर कॉल राइट सो दैट पर्सन इज नोन एज अ रिक्रूटर

तो आप लोगों को बजट मिलता है जैसे मान लीजिए कि फ्रंट एंड डेवलपर हायर करना है ठीक है yes. तो मैनेजमेंट आपको बजट देता है कि इतना बजट है वो चीज़ थोड़ा हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है <laughs> मैं आपको फ्रंट एंड का एक्सपीरियंस जानूंगा बट उससे पहले मैं ज़्यादा एक्साइटेड टू नो दिस कि क्या रहता है वो चीज़ श्योर sure. सो so, इसमें क्या होता है कि लाइक आई वॉज वर्किंग फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स राइट राइट सो इसमें ऐसा होता है कि क्लाइंट शेयर एज द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड उसके साथ एक पर्टिकुलर बजट होता है कि दिस दिस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए वी कैन प्रोवाइड दिस मच सी टी सी सो वो एग्जैक्ट uh, कितना वीकेंड पे दैट जैसे कि एक डेवलपर के लिए हमको मिला है बजट ऑफ थर्टी लैक्स राइट सो स्ट्रेट अब हमको नहीं बोला जाता कि देर इज अ बजट ऑफ थर्टी लैक्स देर इज अ मैनेजर अबाउ अस सो हु डिसाइड्स दैट वी हैव टू रिक्रूट दिस कैंडिडेट बिलो दिस इज दिस प्राइस एंड दिस इज द क्राइटेरिया इफ यू गेट द कैंडिडेट सोर्स दम एंड वी कैन स्कड्यूल द इंटरव्यू सो एग्जैक्ट बजट नहीं होता हमारे पास बट या वंस यू गाईज आर सिलेक्टेड सो वैन यून इन योर लास्ट राउंड विद एच आर सो देर यू कैन यू वॉट एवर नेगोशिएशंस आर देर सो देर यू कैन डू फाइनल नेगोशिएशंस आर नेवर डन विद्रूटर इफ यू है मार्क दिस थिंग ऑल्सो वैन यू आर सिलेक्टेड इन एनी ऑफ द कंपनीज द फर्स्ट गाई विच गेव यूर कॉल इज नवर गोइंग टू गिव यू द इंडक्शन और एनी थिंग

तो जो भी आपको कॉल कर रहा है उनके पास एक बजट है उस प्रोफाइल के लिए right. और वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि इसका कि बेबी कोई बड़ी प्रोडक्ट बेस हो तो उसके लिए बजट ज्यादा हो सकता है कोई छोटी कंपनी के लिए बजट कम हो सकता है तो उसके हिसाब से आपको ऑफर किए जाते हैं पैकेजेस वेरी नाइस अब मुझे आप ये बताइए वट ट्रिगर यू टू चेंज योर फील्ड फ्रॉम टेक्निकल रिक्रूटर टू फ्रंट एंड डेवलपर राइट दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली

I offered him 16 lakhs uh, package and he got selected for one of our client and then also he was not been uh, satisfied to join our company from giving to 4 like from 4 LPA to 16 LPA even though he was having some better offers we offered him 21 lakhs again he was not convinced with that offer and he moved on with another offer. So that really triggered me that if you are having the right skills and the knowledge

एक एज अ टेक्निकल रिक्रूटर चार लाख साढ़े चार लाख या नेक्स्ट टू ईयर में छह लाख हो जाऊंगा और ये लोग चार लाख इनका पैकेज है और ये सोलह लाख सत्रह लाख बीस लाख तक जा पहुंचे हैं और वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे राइट ओके सो जितने भी एचआर देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को टेक्निकल रिक्रूटर देख रहे हैं भाई आई थिंक जय शाह उसका एक राइट एग्जाम्पल है इन्होंने प्रूफ करके दिखाया है एंड इट इज नॉट अ इजी थिंग बहुत हार्डवर्क किया होगा वो जानते हैं ओके

नाउ इन फ्रंट एंड आई हैव टू देर आर मल्टीपल लाइक एंगुलर है व्यू है रिएक्ट है सो वेर आई हैव टू कीप माई स्टेप सो ऑब्वियसली रिएक्ट वॉज बून राइट सो माई स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड वॉज टू बी टू द रियक्ट एज अ रियक्ट जेज डेवलपर मुझे वही प्रोजेक्ट्स करना है सो या द लाइक आई वॉज क्लियर फ्रॉम माइंड वेन आई स्विच द कंपनी एंड वेन आई रिजाइन दैट आई हैव टू बी ए फ्रंट एंड डेवलपर एंड द टेक्स टेक विच आई हैव टू चूज इज रियक्ट जेज जो कंपनी में मिलेगा वही कंपनी में आई वुड स्टार्ट माई करियर अच्छा अब जैसे मैं एक आपको एक माइंड बताता हूँ आप बिल्कुल नॉन टेक से थे है ना एच वाला काम चलो आप नहीं कर रहे थे आप टेक्निकल रिकर वाला काम कर रहे थे एच अपना काम कर रहा था फिर भी एकदम नॉन टेक बैकग्राउंड से आना डेवलपमेंट रोल पे आसान नहीं होता है right. तो क्या आपने कैसे अपने आप को तैयार किया क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए कितना टाइम आपको लगता था और कितना समय लगा आपको तैयारी करने में अपने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने में राइट सो या बेसिकली यू सेड राइट फ्रॉम कमिंग टू नॉन टेक टू टेक दैट वाज रियली टफ फॉर मी सो बेसिकली वॉट आई डिड माई वर्किंग आवर्स वॉर लाइक टेन टू सेवन राइट सो आफ्टर नाइन ओ क्लॉक आई यूज टू मुझे पहले मैं आई स्टार्ट सी इंग द वीडियोज मुझे कुछ पता चलता नहीं था उसमें आई स्टार्ट विथ बेसिक एच टी एम एल सी एस एस सो वो जो कोड कर रहा है दैट आई यूज टू रेप्लीकेट इन माई पी सी एंड वही सेम टू सेम में पूरे रात लेके लगा देता था कि यह है क्या है क्या सो इनिशियली आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप विथ एच टी एम एल सो एच टी एम एल का मैंने अच्छा हैंड्स ऑन बनाया उसके बाद आई स्विच रिंद सी एस एस सो so, जो बेस था का वो मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था और उसके बाद जे एस आई स्टार्टेड बट आई गॉट मच इन टू दे एस एंड रिएक्ट के ऊपर ऊपर से टॉपिक्स हुए थे फॉर लाइक like, जो फ्रेशर्स को पूछे जाते हैं सो आजकल यूट्यूब पे सब मिल जाता है so, सो वही मैंने थोड़ा प्रिपरेशन करके आई गेट इन टू मार्केट टू टू स्टार्ट द इंटरव्यूज कितना टाइम आपको फिर भी लगा क्या उस टाइम जॉब कर रहे थे या फिर छोड़ने के बाद तैयारी करी या जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे थे थ्रू यूट्यूब आई वॉज वर्किंग विथ कोलेबरा जॉब स्टार्ट थी एंड उसी के साथ मेरा प्रिपरेशन भी स्टार्ट था राइट सो इनिशियली एच डी एम एल का जितने भी टैग्स है जो भी पूरा मार्कअप है वो पूरा मैंने पढ़ लिया था कि क्या होता है क्या नहीं इन डेप्थ पढ़ा था वो पूरा और उसी के साथ मैं छोटी छोटे ऐसे एप्लीकेशन देखता था तो उसके हिसाब से जैसे कि एक पेज में कुछ कार्ड्स दिखे तो वो बनाने का ट्राई करता था उसको रिस्पॉन्सिव करने का ट्राई करता था फिर एक जैसे एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन की लेआउट है तो उसमें से उसका हेडर फुटर और बीच के बैनर्स है उसको थोड़ा थोड़ा बनाने का ट्राई करता था तो जेएस तो इतना आता नहीं था सो so, बट ये जो इसी के चीज में जो कोडिंग uh, प्रैक्टिस मेरा बड़ा उसी से मेरा इम्प्रूवमेंट uh, हुआ थोड़ा कोडिंग में और एच डी में सीजेस में मेरा ग्रिप अच्छा आ गया था वो टाइम तक और जेएस के थोड़े बेसिक्स मेरे क्लियर थे So, yeah. तो जो आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला वहां इसका मतलब आपको क्योंकि रिएक्ट तो आपने तब तक नहीं था कैसे आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला अब रिएक्ट तो आपने फिर शायद बाद में सीखा फिर ज्वाइन करने के बाद या पहले सीखना शुरू कर दिया था uh, नहीं ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इधर सो क्या हुआ कि जैसे कि ऑफिस के बाद आफ्टर वर्किंग आवर्स राइट वी थ्री टू फोर फ्रेंड्स यूज टू सीट एट वन प्लेस सो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था सो so उसने एकदम से बोला कि यार इधर ये एक कंपनी है यहाँ पे रिएक्ट जेस को ओपनिंग है फॉर फ्रेशर्स सो so, तुरंत ही मैंने ट्रिगर हुआ उस टाइम पे मेरा कुछ इतना रिज्यूमे भी नहीं बना हुआ था मैंने सो so, मैंने उसको बोला कि मेरा रेफरेंस दे दे लाइक वन ऑफ अवर फ्रेंड वॉज वर्किंग विद दैट कंपनी सो मैंने बोला कि मैं मैं आज ही मेरा रिज्यूम बना रहा हूँ और प्लीज शेयर दैट रिज्यूम है एंड जस्ट केड्यूल माई इंटरव्यू सो so, उस बेसिस पे मेरा मेरा रिज्यूमे वहाँ पे शेयर हुआ और मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ लाइक वन टू राउंड्स हुए थे फर्स्ट राउंड में बेसिक की पूछा गया था सेकेंड राउंड वॉज विथ सी और उन्होंने जस्ट देखा कि हाउ मच कैपेबल आई एम उन्होंने थोड़े क्वेश्चन भी क्रॉस क्वेश्चन भी किए कि अगर आपको इनिशियली इतना स्ट्रेच करना पड़ेगा तो क्या करोगे आप, आप पे लोड आएगा यू आर फ्रॉम नॉन टेक टू टेक राइट

so that was close to 10000 extra every month that i used to get so that was one thing like if you check like plus 10000 if you add so it will go around 20 29000 a month so here i got the fixed package of like 2.4 so i joined that company but अब आप जो आपने नई कंपनी ज्वाइन किया वहां आपको अच्छा खासा एक मिल गया या बहुत अच्छा मिला <laughs> <laughs> ये सही है वैसे मतलब मेन आपने एंट्री मार ली

सो हियर द मेन रोल कम्स ऑफ माई फैमिली रियल सपोर्ट दैट पैसे अभी मत देख आगे जाके जो तेरा ग्रोथ होने वाला है उस पर फोकस कर एंड देट रियली केम आउट लाइक वन फैमिली सपोर्ट वॉज ऑल्सो बिग थिंग फॉर मी तो आपको लगता है की टेक्निकल टेक्निकल रिक्रूटर से फ्रंटाइन जर्नी में फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है Yes, क्योंकि एक बार मैं डबल माइंडेड हो गया जब मुझे कंपनी कोलेबरा ने ऑफर किया सो आई वॉज थिंकिंग कि मुझे सही में स्विच करना चाहिए तो फिर मैं रिटेन हो अभी बट या तो पैसे बढ़ा रहे थे हाँ बड़े थे बहुत अच्छे बड़े थे लाइक <laughs> like वो फिक्स दे रहे थे हो oh, ओके okay. तो अभी जहाँ नई कंपनी में जा रहे हो वहां कितना परसेंट हाइक मिल रहा है वैसे आई डोंट वांट टू नो एग्जैक्ट फिगर्स बिकॉज आई नो इट्स कॉन्फिडेंशियल बट यस क्लोज टू टू हंड्रेड परसेंट प्लस हाइक है ओके नॉट बैड नॉट बैड आई थिंक मेरे को लगता है कि इट इज लाइक नॉन टेक से टेक में आना और फिर रिएक्ट फ्रंट एंड में आ जाना और वहाँ पे फिर अब 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 आपको कोई रोक नहीं सकता थोड़ा टाइम काम करो फिर चेंज कर लेना सो <laughs> <Right. laughs> so, कहाँ से पढ़ा आपने ये सब चीजें यूट्यूब में कहा से पढ़ रहे थे इनिशियली uh, जो मेरा फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था वो था विथ कोड विथ हैरी सो उनका पूरा प्लेलिस्ट लिस्ट ही एच टी का सी का और मैंने उन्हीं के सारे फॉल, वीडियोस फॉलो किए हैं और वो जैसे कोड करते थे दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट माई इनिशियल इनिशियल स्टार्ट सो उन्हीं के वीडियोज में दिखता था और उन्हीं का आई ट्राई टू रेप्लीकेट बट वेन आई गेट रियली माई जॉब राइट एंड द चैलेंजेस आई फेस्ड सो वो तो पूरा डिफरेंट ही था सो so, वहां पे तो मैंने मेरा लर्निंग्स बहुत ही एडवांस लेवल पे किया है <laughs> आर के चैनल का एक बहुत बढ़िया वीडियो मुझे लगा था जो था क्लोजर्स पे जो आपने जावा स्क्रिप्ट का समझाया था सो so, लाइक like, हर कोई क्लोजर समझा रहा है बट आपने जो वे में समझाया था सो so दैट वो मेरे माइंड से निकला नहीं आज तक लाइक देर आर देर इज मेनी यूट्यूब चैनल्स लाइक कॉस्ट एंड सोल्यूशंस है प्रोग्रामिंग विथ मॉश है कोड इम्प्रूव है फिर यू कैन रियली गो विथ चायर कोड चैनल जो रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है सो एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड रिसेंटली आई स्टार्टेड द लीड कोड ऑल्सो क्योंकि मुझे पता है कि टेक में मुझे आगे बहुत <laughs> अच्छा ग्रो करना तो है तो कोड है जरूरी और आई थिंक इफ यू आर गुड इन टू योर कोर कॉन्सेप्ट राइट यू कैन सॉल्व द कोडिंग क्वेश्चन ऑफ कोड और और एक अच्छा वेबसाइट है जहां पे आई वुड सजेस्ट इफ यूर एंट्री लेवल फ्रंट एंड डेवलपर और वन टू टू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू वुड गो विद वन साइट विच इज एल्गोचन सो एल्गोचन वॉट गिव अस द क्वेश्चन ऑफ द फ्रंट एंड सो so, वहाँ पे आप एक जो क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे ना तो यू विल गेट अ ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड देट आर सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू रियल रियल बेस्ड एप्लीकेशन ऑल्सो जो आप अपनी एप्लीकेशन को भी इम्प्लीमेंट करोगे सो एंडट इज टोटली फ्री सो आई वुड सजेस्ट दैट दैट हेल्प मी अ लॉट सो आई जस्ट सजेस्ट दिस थिंग Hmm. नहीं वेरी नाइस सर काफ़ी इवन आपने जो बताया क्लोजर के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था एंड जो आपने अदर्स चैनल बताए सीरियसली यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा कंटेंट बना रहे हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट्स वाई मुझे भी लगता है कि हाँ यार मतलब कंटेंट बहुत सारा है आप right. आपके ऊपर है कैसे आप कंज्यूम करना चाहते हो एंड लास्ट ईयर जब मैं एडिडास में पेटीएम के लिए मैंने इंटरव्यू दिया उस टाइम भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो क्लोजर प्रॉमिस ऑफ वेट लेट केयर सब कुछ मैंने उस टाइम भी बनाया था एंड सीरियसली लोगों को काफी पसंद भी आया और अभी हमने आपको बताना चाहता हूँ इसी वीडियो के थ्रू अभी बात हो रही है अभी मैंने एक नई कम्युनिटी स्टार्ट करी है मास्टर कोडिंग तो मास्टर कोडिंग में सारे फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं वेब डेवलपर्स हैं और वहाँ पे लाइक like, हम जितना कंटेंट है जैसे भी आप बात कर रहे हो जितने कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के अंदर वो सब हम वहाँ पे डाल रहे हैं इवन वीडियोस डाल रहे हैं तो अभी हमने जस्ट स्टार्ट करिए कुछ दिन पहले ही कैसे अगर आप लोग वहाँ नहीं हो तो यू कैन सी दिस लिंक यू कैन ज्वाइन विद मी वहाँ पर आ जाओ और काफ़ सारे लोग ऑलरेडी हैं वहाँ पर तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे ओके okay, आप मुझे ये बताइए कि कितने रिजेक्शन आपको फेस हुए लाइक अपनी अब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एकदम से मिल गया या या फिर पहले फेस करने पड़े सो रिजेक्शन्स काफ़ी हुए थे बेसिकली एज अ फ्रेशर व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यू राइट सो उसमें मुझे ऐसे फिक्स नहीं मिलता था कि लाइक like, आपको रिएक्ट पे ही पहले तो वर्क करने मिलेगा हमारे पास डॉट नेट की ओपनिंग है तो आपको डॉट नेट पर आना पड़ेगा वी विल गिव यू द ट्रेनिंग सो वो तो पहले मैं रिजेक्ट कर देता था कि नहीं मुझे फ्रंट एंड में ही जाना है अब फ्रंट एंड में जब मैं इंटरव्यूज दे रहा था सो so, काफी रिजेक्शन से एच पे भी रिजेक्शन हुआ है कभी कभी तो बट तभी मैंने पढ़ना कभी काफी अच्छे से स्टार्ट किया था एच टी एम एल सी एस एस सो रिजेक्शन हुए हैं काफी बड़ोड़ा की कंपनीज में मैंने दिया था स्टार्टिंग में बट दिस वॉज वन कंपनी आई रियली वुड बी थैंकफुल दैट दे गिव मी चांस एंड आई प्रूव माई सेल्फ सो अब एकदम से लोगों को हायर करना और फिर चले जाने डेवलपमेंट रोल पे फर्स्ट जो जॉब थी कितना डिफिकल्ट था आपके लिए चीजों को समझना और डिलीवर करना राइट इन टू द आई टी राइट इन सो ये इंटरेस्टिंग जर्नी था मेरा आई वुड जस्ट गेट इन टू डीप इन टू दिस सो वेन आई देर वॉज अ फर्स्ट डे वेन आई ज्वाइन द कंपनी मुझे यूडीमी uh, का एक कोर्स दिया गया था दैट वॉज इन चावा स्क्रिप्ट में अरेस पढ़ रहा था ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहा था एंड इन द थर्ड डे वी गेट वन बिग प्रोजेक्ट इन अवर कंपनी एंड आई वॉज बीन डिप्लॉयड इन दैट प्रोजेक्ट सो तब मुझे रिएक्ट तो आता नहीं था जी एस भी इतना आता नहीं था और मुझे टास्क लाइक दो दिन का कुछ कैटी हुआ था कि प्रोजेक्ट्स में ये ये चीज़ है एंड वी नीड टू बिल्ड दिस सो आई वॉज लिटल बिट कन्फ्यूज कि करूँ तो करूँ क्या मुझे जीरा पे सीधे टास्क आने स्टार्ट हो गए आई वॉज नर्वस अबाउट दिस थिंग कि मुझे मैंने लिटरली मुझे ऐसा लगना कि मैं शायद से गलत फील्ड में आ गया हो आई वॉज गुड इन रिक्रूटमेंट ऑनली

Like, रात को घर पर जाके पूरी लेके बैठता था लैपटॉप की क्या है क्या नहीं मैं पूरा पढ़ता था तो उसके साथ यूट्यूब भी एक चीज है कि जो मुझे रियली really हेल्प किया सो आई यूज टू लर्न द कॉन्सेप्ट लेट्स टेक मुझे एक टास्क फर्स्ट टास्क था कुछ बैनर का जिसमें बैनर ऑटोमेटिकली uh, चलते राइट right? वेबसाइट में ई कॉमर्स एप्लीकेशन थी सो so, वो टास्क था मुझे ठीक है मैंने सी एस एस तो कर दिया पर उसको चलाऊ कैसे बैनर को और वो भी रिएक्ट में फिर थोड़े कुछ टास्क थे कुछ रिलेटेड टू कम्पोनेट हमको इनपुट कम्पोनेंट्स बनाने थे फॉर्म के कम्पोनेंट होते वो बनाने थे सो so, वो सब तो मुझे कंपोनेंट ही नहीं पता था कि क्या है कैसे बनता है सो आफ्टर दैट आई गेट रियली रियलीप इंटू दी रिएक्ट जेस कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लोर किया पूरा रिएक्ट जेस

So, क्या बात है बहुत बढ़िया यार बहुत ही बढ़िया मैं मैं समझता हूँ कि देखो लोग कहते हैं कि उसकी एक किस्मत है इसलिए शायद उसको मिल गया मुझे लगता है किस्मत ठीक है कुछ परसेंटेज आप लक को दे दो बट वर्किंग अगर आप हो बिलीव है अपने आप पे मेंटली आप स्ट्रांग हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि कि आपको थोड़ा सा देरी से मिले बट मिलेगा जरूर <laughs> right. एक 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 टाइम पे आके चीज चीज हुआ हुआ था एक हुआ था कि when I, like, projects आ रहे थे वेब डिजाइनर लीड सो उन्होंने देखा कि मैं कंटिन्यूसली वन वीक से रात को वर्क कर रहा हूँ पुश कर रहा हूँ कोड को सो वन नाइट चीज मैसेज में कि इतना टेंशन मत लो हो जाएगा सो जाओ.

पर आपका एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी जब आपके पास टेक्निकल रिक्रूटर सामने से आते होंगे वो आपको बीट नहीं कर पाते क्योंकि आप तो थे पहले अभी, <laughs> तो, अभी, तो, अभी में तो आप खेल जाते हो मैं खेल जाता हूँ अभी अभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ रिक्रूटर्स इतने कनेक्ट हो जाते मुझसे कि चलो पोजीशन तो साइड पे रहा भी, भी तो वी so, <laughs> इतना इतना बढ़िया really really. नहीं, नहीं, नहीं वेरी इंस्पायरिंग मैंने जब आपसे बात करी फर्स्ट टाइम मैंने कहा अरे वाह वेरी एक्सेप्शनल केस है यार मतलब हम बात करते हैं फ्रंट एंड की बैक एंड बात करते हैं बट आपकी जर्नी थोड़ी सी अलग है एक डिफरेंट रोल से आना और मतलब ओके सो बहुत थैंक यू सो मच जय आपने जो भी इंसाइट शेयर करे अपनी जर्नी शेयर करी एंड उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपने बहुत कुछ सीखा होगा अभी तक इस वीडियो से एंड काफ़ी इंस्पायर हुए हो okay? मैंने बाकी जय का लिंक हैंडल भी दे रखा है यू कैन कनेक्ट विद हिम ओके सो अब फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपको देख रहे हैं या फिर नॉन टेक में है स्पेशली आप कैसे एडवाइस करेंगे जो भी आपने थ्रू आउट अपनी जर्नी से सीखा राइट सो बेसिकली जो नॉन टेक्स टेक में आ रहा है आई वुड सजेस्ट दैट इफ यू आर टोटली नॉट इन टू दिंग्स राइट सो आई वुस्ट दैट आप अपनी जॉब छोड़ मत दो जस्ट बी इन योर जॉब गी व्राई जस्ट फर्स्ट इनिशियली बी क्लियर दैट वॉट रोल यू नीड टू गो इफ यू आर गोइंग फॉर अ डेटा एनालिस्ट और बैकहैंडियर फ्रंट एंड इनिशियली जस्ट क्लियर बी क्लियर विथ दैट सेकेंडरी जस्ट क्लियर द कोर कॉन्सेप्ट एंड इनिशियली जब आप कोई भी नॉन टेक्सेट टेक वाले बैकग्राउंड में जाओगे आपकी फर्स्ट जॉब में यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम्स दैट इज फॉर श्योर बट यू रियली नीड टू ओवरकम दैट एंड यू रियली नीड टू वर्क हार्ड नॉट ऑल द डे यू हैव टू वर्क हार्ट इनिशियली टू टू थ्री मंथ्स इफ यू वर्क हार्ड राइट ऑल द अदर डेज वुड बी स्मूथ फॉर यू एंड यू विल लव योर जॉब सो दिस इज वन थिंग सो दैट आई वुड सजेस्ट दैट आपकी टेक्नोलॉजी आपको सबसे पहले माइंड में रखना पड़ेगा आपको किस पे जाना है ऐसा नहीं कि जहां पर मिल रहा है मैं वहां पर चला जाऊँ देट विल नॉट गिव यू ग्रोथ ग्रोथ आपको अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है तो उसमें भी पर्टिकुलर रोल रिएक्ट पे जाना है और मैंने सिर्फ एक गलती की थी कि मैं डायरेक्ट रिएक्ट पे जंप किया था इफ यू वुड राधर देन डायरेक्टली जंपिंग इंड द रिएक्ट इफ यू गो विथ जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट बिकॉज क्या हो रहा है कि रिएक्ट में भी हम लोग मोस्टली जावा स्क्रिप्टे लिख रहे हैं So, I would suggest ki बहुत अच्छा जे थैंक इन साइट शेयर करने के लिए वंस अगेन फॉर कमिंग एंड गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा ऑल्सो आई वांट टू एड वन थिंग लाइक कि अगर आप नॉन टेक्स टेक में आ रहे हो तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो मुझे ये वाली कंपनी क्रैक करनी है ये वाली कंपनी क्रैक करनी है स्टार्ट करो एटलीस्ट जो मिल जाए पहले yes. एक बार आप एंटर कर गए तो रास्ते अपने आप खुले लग जाएंगे थोड़ा सा पेशेंस रखो डेवलपमेंट रोल ही कुछ ऐसा है आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए कोड आपका जो पेशेंस टेस्ट करता है कितना आपके अंदर पेशेंस है right. जो कोड आप कर रहे हो समटाइम आप पेशेंस का ही खेल है जो, जो जितना ज्यादा पेशेंस रखेगा उतना जल्दी वो बढ़िया डेवलपर बन जाएगा एक पॉइंट में आप

और सब उसमें आप बहुत सारी चीजें सीखोगे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रोल होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में लाइक इन वन टू टू इस ऑफ एक्सपीरियंस नो बडी टॉक्स मच अबाउट इट इन और आपको इतने टास्क भी नहीं आते होंगे बट वर्किंग विद स्टार्टअप यू हैव टू डू एंड टू एंड थिंग्स सो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द स्टार्टअप सो आई वुड सजेस्ट दैट ट्राई टू गो फॉर स्मॉल कंपनीज इनिशियली या ओके देन बिल्कुल कंप्लीटली एग्री अगर स्टार्टअप में आप बहुत कुछ सीखते हो अगर मैं कंपेयर करता हूँ एमएनसी से सो थैंक यू सो मच जे फॉर कमिंग एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना शेयर करना लाइक एम ए सेवन थाउजेंड करते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए एंड अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अलॉन्ग विद बेलाइकन थैंक यू सो मच मिलता हूँ किसी और वीडियो में टिल दें ध्यान रखिए अपना थैंक यू सो मच थैंक यू